हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का जगमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक कॉलेज टणा चौक अहमदाबाद महानगर में स्वागत है। आज हम लोग जो है लगातार ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। सभी ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटो एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये सभी स्टाफ अपने अपने सब्जेक्टों के लगातार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस बताएंगे और इसके बाद इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर्स हैं उसे हम लगातार बताते रहेंगे। जैसा आज हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड सेमेस्टर का पहला आपका दे रहा है मौलिक शब्द एवं उनकी अभिधारणा। मौलिक शब्द, मौलिक का मतलब होता है बेसिक, शब्द मतलब होता है एवं उनकी अवधारणा, यानी कि जो अब बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बेस होते हैं, जो बेसिक होती है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के हैं, आवेश पर कितने चार्ज होते हैं, ये आवेश जो इलेक्ट्रॉनों पर कितने आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं, न्यूट्रॉन कितने आवेश होते हैं या नहीं होते हैं, इनके द्रव्यमान कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान कितने होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक यानी कि मौलिक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है डीसी परिपथ। डीसी परिपथ का मतलब होता है डायरेक्ट करंट परिवर्तन सर्किट। जो डायरेक्ट सर्किट होती है, जैसे हम बैटरी द्वारा जब हम करंट लेते हैं वो हमारा डीसी करंट होता है। अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्टर द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है उसको भी हम डीसी करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमको डीसी करंट दिख रहा है, डीसी पर जो दिख रहा है, वह बैटरी से अकॉर्डिंग जो भी करंट है उसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा आपका आता है बैटरी। अब बैटरी क्या है, अगर हम ये कह दें कि बैटरी किसे कहते हैं, आप यही कहेंगे कि सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, यानी कि एक सेल, जैसे मान लीजिए आपके सेल कई सेल हैं, इस तरीके से आपके सेल क्या जुड़े हो, आप दिख रहे हैं, इस तरीके से जब सेलों का समूह चलेगा, माइनस प्लस ना, जब इसमें से सेल का एक समूह चलता है तो इन सभी समूह को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। ठीक है ना, इसे ही अंदर जाकर बैटरी कहते हैं। अब बैटरी कितने प्रकार की होती है, तो अब इसके बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि बैटरी के प्रकार कितने होते हैं। जैसे इसमें एक आता है प्राइमरी, ठीक है, इसके बाद आपके इसके प्रकार बैटरी किन किन जो है पदार्थों का काम करता है, कैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, कैसे बैटरी चार्ज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम चैप्टर नंबर 3 बैटरी के तरह पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है चौथा आता है संधारित्र, और संधारित्र हमारा क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, आप सब पूछ रहे हैं संधारित्र क्या है, तो आप ऐसा बोलेंगे इसकी परिभाषा है, इसकी डिफिनेशन आप क्या देंगे कि ऐसा समायोजन जिसे बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता बढ़ जाए उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र। जैसे मान लीजिए कि आप पंखा है, पंखा में हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है, पंखे को रन कराता है, मीन्स उसको झटका देता है, और जो उसके अंदर लगी जो बाइंडिंग होती है वह रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग काम करना शुरू कर देती है, इस तरीके का होता है चलता है। तो मुख्य रूप से जो है उस पंखे में काम कौन करता है, तो आपका कैपेसिटर काम करता है, और इसकी डिफरेंशियल में बताया गया जो है वही होता है कि यह ऐसा पदार्थ होता है जो इसके बिना परिवर्तन किए
उसकी धारा बाहर जाता है, उसे क्या करता है संचालन करता है। यानी आप क्या करते हैं पंखे में जब भी कोई कैपेसिटर लगाते हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसकी धारा बढ़ जाती है। आप जानते हैं इसकी धारा कैसे बढ़ती है, तो आप जानते हैं की बराबर होता है सी वी, की बराबर होता है सी वी। अब हम चूंकि यहाँ निकालेंगे तो आपका जो है वोल्टेज वाला आप देखेंगे तो भी प्रपोर्शनल टू 1.3। अगर इसके कारण देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि जो वोल्टेज है, अगर जब वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर सी निकालते हैं, धारिता निकालते हैं तो क्यू और कौन क्या हो जाएगा भी? अगर हम धारिता को बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा आपको भी। यानी कि किसी भी पंखे या मोटर की धारिता बढ़ानी हो तो उसके वोल्टेज को क्या कहता है, कम कर देता है, जिससे क्या होगी धारिता बढ़ती है। आप इसमें चीज़ों को आप जो है विस्तार रूप से जो है जब इसको स्टार्ट किया जाएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व क्या होगा, विद्युत चुंबकत्व का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका जो है परिपथ है, और उस परिपथ में हम जैसे ही प्रत्यावर्त धारा हम जो है देते हैं तो उस परिपथ के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चीज़ को जो है एक वैज्ञानिक जिसका नाम ऑरेस्टेड था, उन्होंने एक प्रयोग बताया था। ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने एक प्रयोग में बताया था कि विद्युत चुंबकत्व जो होता है वह पदार्थ होता है जो किसी भी परिपथ में हम जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रयोग करके और प्रयोगों में देखा था। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मोटर है और उस मोटर के रोटर को बाहर करके और उस मोटर के अंदर यदि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो उसकी जो बीच का यानी कि रोटर का जो भाग है उसके बीच में यदि कंडक्टर पकड़े जाते हो तो उस कंडक्टर का उत्पन्न हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। इससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस तरीके से जो है आश्चर्य प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने इसको सिद्ध नहीं करता। इसको सिद्ध करने के लिए एक बाबा सेवट नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी इसी बात को देखा और इसी बात को बताया और उन्होंने इसको सिद्ध करके दिखा दिया कि किसी भी परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी विस्तार से पढ़ेंगे जब स्टार्ट करने से। अगर आपका आता है विद्युत चुंबकीय किरण, इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय किरण, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय किरण क्या होता है, यह ऐसा किरण है जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे परिपथ देखा। अब परिपथ में आपका क्या है, मान लीजिए परिपथ को सर्किट या मार्ग कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई आपका जो है प्रेरण काम नहीं करता है। और प्रेरण जो होता है, यह प्रेरण जो होता है वो किसी जो है बंद कुंडली के अंदर काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फैराडे लॉस, फैराडे ने जो है एक नियम दिए थे, यह फैराडे लॉ आपने पढ़ा होगा कि E=μ(Δ/Δt)। यह फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, उन्होंने क्या बताया है कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कराते हैं, यानी जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर जब होता है तो उससे क्या होता है, एक EMF उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते तो बैल वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जो ये इस फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जितना ही अधिक आपका क्या होगा E∝ϕ/Δt है, इसका मतलब है कि जितना ही आपका फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही आपका EMF बढ़ेगा, जितना ही आपका फ्लक्स परिवर्तन कम होगा वैसे ही आपका EMF भी क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से फैराडे नामक वैज्ञानिक ने नियम को दिए थे और उसमें उन्होंने इस कांस्टेंट का माइनस एन लगा दिया था, जहाँ इस माइनस एन को कहते हैं नंबर ऑफ क्वायर यानी फेरों की संख्या, और यन माइनस क्या होता है, माइनस उन्होंने बताया कि माइनस वह कारक है यानी ऋणात्मक वह कारक है जो जिससे वो उत्पन्न होता है उसे क्या करता है, विरोध करता है उसी, इसका मतलब इस माइनस का मतलब उन्होंने ये बताया।
अब इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब इसको स्टार्ट किया जाएगा तब। ठीक, दूसरा आता है यंत्र आसाना आता है एसी परिपथ। एसी परिपथ का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं ये कई प्रकार से बढ़ा हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट में आपका जैसे मान लीजिए ये आपका दिशा है, ये क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट है और इसके इस भाव को हम कहते हैं मैक्सिमम करंट। इसमें दो तरीके से होता है, यदि इस तरीके से हम देखेंगे तो इस क्या होता है, ये चीज़ आपकी होती है करंट होती है, क्या होती है करंट होती है, जबकि ये क्या होती है वोल्टेज होती है। यानी ओम नामक वैज्ञानिक के अनुसार देखेंगे तो जो वोल्टेज होता है वो करंट के समानुपाती होता है। ये कब होता है कि जब किसी परिपथ में जो है शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर लगा होता है। क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर लगा होता है तो उस परिपथ का जो वोल्टेज होता है वो करंट के सीधे समानुपाती होता है, यानी करंट और वोल्टेज एक साथ काम करते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही जब हम किसी परिपथ में कैपेसिटर सी जोड़ देते हैं प्रतिरोध हटा करके, तो उस वक्त क्या होता है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, जो आई होती है, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। ठीक है ना, और जब वही हम प्रेरकत्व तो एल जोड़ देते हैं तो वही प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, यानी फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जब हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक, लास्ट ऑफ आता है बहुकला विद्युत प्रणाली। बहुकला का मतलब होता है थ्री फेज, बहुत मतलब थ्री फेज का आता है। तो थ्री फेज कला है थ्री फेज विद्युत प्रणाली, यानी कि थ्री फेज का जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी प्रणाली कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए सबसे बड़ी बात है, इसमें तीन प्रकार का आर वाई और वी, ये थ्री प्रकार के जो है आपको जो फेज के बारे में अध्ययन करने को इस लेसन में यानी बहुकला विद्युत प्रणाली में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस था लगभग आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिससे आपकी समस्या को सॉल्व किया जाता है। यह हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर जब भी कोई दिक्कत हो तुरंत कॉन्टेक्ट करिए, आपको इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं, अभी तो मान लीजिए आज हमने केवल सिलेबस के बारे में बताया है कि सिलेबस कितने हैं और उस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ों को हमको अध्ययन करना है उसके बारे में आपको बताया है। बाकी चीज़ें आपको जो है जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वन बाई वन करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना जाएगा। ठीक है ना दास, तो आप कहने का मतलब है कि आप लगातार जो है आप वीडियो में लगे रहिए। उम्मीद है कि आगे अगर मान लीजिए आज कुछ त्रुटि हुई हो आपको समझने में या हमको समझाने में, तो आगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, जैसे आपको कोई त्रुटि न हो आपको आसानी से बताते हैं समझ में आ जाए। सो आप इसको जो है बिल्कुल अध्ययन करिए और ध्यान दीजिए और सभी लोग आप मस्त रहिए, ध्यान रहिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।